हेलो एवरीवन, ये HPSSC स्टाफ नर्स क्वेश्चन पेपर के आंसर प्रोविजनल आंसर की है। इसका पार्ट वन मैं आपको पहले डाल चुकी हूँ, जिसमें हमने टोटल 42 क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग सेक्शन के डिस्कस किए थे, और उसके अलावा जो HPGK के क्वेश्चन थे उनको छोड़ते हुए मैं 93 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। जिसने भी पार्ट वन नहीं देखा है, प्लीज़ पार्ट वन देख लें। ये जो आंसर होंगे ये प्रोविजनल आंसर होंगे, और जो फाइनल आंसर्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की ही होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 93 होगा, विच ड्रग शुड बी यूज फॉर रेंसिंग द सिरिंज बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल फॉर ABG एनालिसिस। तो ABG एनालिसिस के लिए जो हम सिरिंज को रिंस करते हैं वो हीपेरिन सॉल्यूशन से रिंस करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर दैट इज लिथोटमी पोजीशन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देन ICDS प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 1975। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज EPS, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं, कौन से ड्रग्स करते हैं? तो वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स कॉज करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देट क्वेश्चन नंबर 97 है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग द इंद्रधनुष स्कीम इज एसोशिएटेड विद, वो इम्यूनाइजेशन से एसोशिएटेड है। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। देन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज, वो परसेप्चुअल थिंकिंग होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 99 है, प्लेटलेट्स आर द सोर्सेज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देन इन विच डिफेंस मैकेनिज्म वन मेक एक्सक्यूज गिविंग अ रीजन डिफरेंट फ्रॉम द रियल वन। तो इसका आंसर जो है वो रैशनलाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 101 है, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट बेड सोर्स इन बेड रिडन पेशेंट इज। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जो है वो टू आर्ली पोजीशन जीन इसका राइट आंसर होगा। देन व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेटनस। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेटनस नॉर्मली जो है वो 7 days का होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम जो है वो 10 days लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देन एन अनप्लेजेंट रिएक्शन ऑफ एन इमेजिन डेंजर इज, उसको हम फियर बोलते हैं। तो फियर का यहाँ पे अगर हम सिमिलर देखेंगे तो फोबिया आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 104 क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ साइनोसिस सीन इन PDA, जो पेटेंडक्टस आर्टरसिस होता है उसमें हम जो है वो डिफरेंशियल साइनोसिस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। द इम्यूनोग्लोबिन कैन कॉज क्रॉस द प्लेसेंटा, जो प्रेजेंटर क्रॉस कर सकते हैं वो IgG होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन डज द फ्लूइड शिफ्ट इट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। टिश्यू टू ब्लड जो है वो फ्लूइड शिफ्ट होता है, वो ऑप्शन बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसका राइट आंसर होगा। देन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 है। 107 जो क्वेश्चन है, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम लिथियम टेस्ट इज, ऑप्शन ए 0.6 to 1.2 मिलीमोल पर लीटर जो है उसका राइट आंसर होगा। देन ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज एसोसिएटेड विद द कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट में हम जो है वो कोड ब्लू अनाउंस करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देन फिटल मॉनिटरिंग मशीन इज यूज्ड फॉर, तो फिटल मॉनिटरिंग मशीन जो है वो दोनों ही चीज़ों के लिए यूज़ होती है, रिकॉर्ड फिटल हार्ट मॉनिटरिंग के लिए भी और कॉन्ट्रेक्शन मॉनिटरिंग के लिए भी। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 110 क्वेश्चन जो है वो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ KMC एक्सेप्ट लिखा हुआ है इसमें। तो टेम्परेचर, बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, बॉन्डिंग करता है इन बिटवीन द मदर एंड बेबी, और हॉर्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होते हैं, लेकिन ऑप्शन डी इसमें नहीं होता। टू इंक्रीज द हॉर्मोन लाइक ग्रोथ हॉर्मोन इसमें नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 111 है, आंगनवाड़ी वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाय, तो उनको मुख्य सेविका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वन कैन टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जब वर्क करता है तभी टॉलरेट कर सकता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देन टैपिंग ओवर द फेशियल नर्व कॉज ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल, इट इज नोन एज, इस ये जो साइन होता है इसको हम जो है वो कौन सा साइन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चौस्टिक साइन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 114, 500 ml ऑफ IV फ्लू नीडेड टू बी एडमिनिस्टर ओवर 5 hours विद ड्रॉप फैक्टर 20, कैलकुलेटेड ड्रॉप पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 33 ड्रॉप्स पर मिनट जो है वो इसका राइट आंसर होगा आफ्टर कैलकुलेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, क्वेश्चन नंबर 115 है, हाईएस्ट लेवल नीडेड अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देन 116 है, द ट्रैक्शन यूज्ड फॉर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इज, तो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के लिए वैसे
ये क्वेश्चन अभी डाउट में, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देन नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन, छाया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज, तो ये जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टेरॉयडल हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है छाया है। देन क्वेश्चन नंबर 118 है, द साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट, ऑप्शन ए एंटीरेटर पोर्शन ऑफ द वेस्कुलर लेटरलिस वेस्टस लेटरलिस थाई मसल्स में हम जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन्फेंट्स को देते हैं। देन 119 है, एमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर कोकीन टॉक्सिसिटी सीक्स टू स्टेबलाइज, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 120 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एंटी टोबैको डे, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 31 मई, क्योंकि 7 अप्रैल हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे के डे में सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून हम एनवायरनमेंट डे करते हैं और 11 जून हम पॉपुलेशन डे मनाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 121 है, द डिफेंस मैकेनिज्म रिग्रेशन मींस, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, टू रिवर्ट टू चाइल्डिश लेवल ऑफ बिहेवियर। देन 122 क्वेश्चन है, मेथड यूज टू असेस यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, जो यूरिनोमीटर होता है, रिएजेंट स्ट्रिप होता है और रिफ्रेक्टोमीटर, हम तीनों ही चीज़ें जो हैं वो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। देन 123 क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ ऑस्कल्टेशन ऑफ एपिकल पल्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 124 है, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन वो है IgM है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 125 है कि फेगोसाइटोसिस इज कंसिडर्ड एज विच लेवल विच लाइन ऑफ डिफेंस, तो ये जो है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में काउंट होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द एंटीडोट ऑफ नार्कोटिक्स, तो एंटीडोट ऑफ नार्कोटिक्स जो है वो नैलोक्सोन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 127 है, अ 27-year-old फीमेल 16-week प्रेगनेंट हैज 2-year-old ट्वीन हु वर बॉर्न एट 39-week gestation एंड अ 5-year-old हु वॉज बॉर्न एट 40 weeks, शी हैड नो हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन एंड वट इज़ हर GTPAL स्कोर, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, G3 है, ट्वीन 1 है और पैरा 2 है, अबॉर्शन 0 है और लिविंग चाइल्ड उसके 3 लिविंग चाइल्ड है। देन क्वेश्चन नंबर 128 है, विच डज व्हेन डज द इन्फेंट वेट गेट डबल इन रिलेशन टू बर्थ वेट, जो इन रिलेशन टू बर्थ वेट होता है वो 6 मंथ में डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 6 मंथ ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 129 है, पैरानॉइड थॉट्स आर डिस्क्राइब्ड एज, तो इनको हम डेल्यूजन बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय टिक्स, तो टिक्स के थ्रू जो है वो इसका आंसर होगा, जो कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज है वो बाय टिक्स जो है वो ट्रांसमिट होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो है, अ पेशेंट विद लीवर प्रॉब्लम डेवलप एडिमा बिकॉज ऑफ राइज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन फिर भी डाउट में है, फाइनल आंसर कीजिए इसका, क्वेश्चन जो है वो चेक कर लीजिएगा एक बार। देन क्वेश्चन है 132, द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विद क्रॉनिक अल्कोहलिज्म इज, ऑप्शन ए थायामिन जो है वो उसका राइट आंसर होगा। देन 133 है, साइडक्स इज ऑल्सो नोन एज, उसको हम ग्लूटराल्डिहाइड बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देन सेकेंड हार्ट साउंड S2 इंडिकेटेड क्लोजर ऑफ डैश वॉल्व्स, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जो आयोटिक और पल्मोनिक वॉल्व्स होते हैं जब वो क्लोजर करते हैं तो S2 साउंड जो है वो प्रोनाउंस होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। देन 135 क्वेश्चन है, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मालाडी, तो केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मालाडी जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो डी नेरजेस्ट्रॉल और इथाइल ऑस्ट्रेडियोल जो है वो इसके राइट कंपोनेंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है द टाइप ऑफ डेल्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन इन द मेनिक पेशेंट में, जो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है, तो क्वेश्चन बी, जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक बोन फीवर इज ऑल्सो नोन एज, ब्रेक बोन फीवर हम जो है वो डेंगू को बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, मिस्ड अबॉर्शन इज ऑल्सो नोन एज, तो मिस्ड अबॉर्शन को हम जो है वो साइलेंट अबॉर्शन भी बोलते हैं, तो ऑप्शन जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज आर सीन इन द ECG रीडिंग इन पेशेंट विद द हाइपरकैलेमिया,
तो जो हाइपरकैलेमिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें यूजुअली जो इसका ऑप्शन होगा वो ए इसका आंसर होगा, टॉल एंड पीक टी वेव जो है वो हाइपरकैलेमिया के पेशेंट्स में होती है। देन 140 क्वेश्चन है, क्लासिक डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, तो डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देन BMI इज ऑल्सो नोन एज, जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम और जो है वो क्विंटल इंडेक्स भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, तो क्वेश्चन नंबर 144 है कि इशारा चार्ट इज यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ, तो ये कलर विजन के लिए हम जो है वो इशारा चार्ट का यूज करते हैं। देन विच गॉज कैनुला इज यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ऑप्शन बी इसका 18 गॉज ग्रीन कैनुला जो है हम यूज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। देन 144 है द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स वजाइना दैट इज ऑब्जर्व एज अर्ली एज 6 to 8 वीक्स ऑफ कंसेप्शन इज कॉल्ड, उसको हम चैडविक साइन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विच इज़ द प्राइमरी असेसमेंट डन वेन पेशेंट बीपी फॉल ड्यूरिंग द लेबर, तो इसका अकॉर्डिंग टू मी जो है वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, असेस द ब्लड प्रेशर ऑफ द क्लाइंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, देन नंबर ऑफ टिक 3 ईयर ओल्ड में जो है वो ऑप्शन बी 20 टेम्परेरी टिक्स जो है वो 3 ईयर ओल्ड बेबी जो होता है उसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ माल न्यूट्रिशन, तो इसका ऑप्शन ए होगा। तो माल न्यूट्रिशन में जो है वो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों ही आता है, तो इसमें अंडर न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और ओवरवेट आएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ डिलीरियम, तो डिलीरियम में इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, हेड ट्रॉमा में भी डिलीरियम होता है, एल्कोहल कंजप्शन में भी होता है और ब्रेन ट्यूमर में भी वो डिलीरियम होता है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी आएगा। देन 149 है द साइड इफेक्ट ऑफ ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसका आंसर भी जो है वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ड्राई माउथ कॉन्स्टिपेशन और ब्लड विजन जो है वो TCA के साइड इफेक्ट्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मलेरिया डेडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 1953 में ये हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर RCH फर्स्ट रेफरल यूनिट इज, तो एज पर RCH जो फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ कोलेप्सिंग पर्ल्स इज, तो अदर नेम ऑफ कोलेप्सिंग पर्ल्स जो है वो वाटर हैमर पर्ल्स होता है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। तो ये थे 152 तक के क्वेश्चंस, इससे अगला जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, 153 से लेकर के 170 क्वेश्चंस तक। सो आपको ये आंसर की जो है वो एक बार अपने जो फाइनल आंसर की होगी उसके साथ भी टैली कर लीजिएगा, ये कुछ क्वेश्चन बीच में डाउट में, अगर आपको उसके आंसर पता होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।